हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है और अभी मैं बना रही हूँ आलू सेम की सब्जी। और ये सब्जी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पहले कढ़ाई में ऑयल डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा और सेम और आलू जो मैं काट के रखती हूँ ना वो डाल देती हूँ। फिर अच्छे से सब्जियों को फ्राई करने के बाद टमाटर ऐड कर देती हूँ और नमक, जो कि अभी मैं कर चुकी हूँ। और जैसे ही टमाटर गल जाएगा इसमें मैं डालूंगी मसाले। तो यहाँ पर टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं तो यहाँ पर अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। मसालों में बहुत ही सिंपल से मसाले, वही धनिया, हल्दी, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। और ये सब्जी मैं बहुत ज़्यादा रसीली नहीं बना रही हूँ, सूखी सूखी सी सब्जी बनाऊँगी। तो अच्छे से मसालों को भूनने के बाद यहाँ पे डाल दिया है मैंने पानी। और पानी डालने के बाद थोड़ी देर इसको ढक देंगे और आलू सेम की सब्जी बन जाएगी और पराठे में बना लूँगी। तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जी जो है वो रेडी हो गई है। तो चलिए मैं बनाती हूँ पराठे और इनको भेजती हूँ ऑफिस, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ आखिरी में ना मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया है और धनिया पत्ता डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सब्जी तो तैयार है, बस पराठे पराठे बनाने हैं। तो गाइज अभी ये ऑफिस जा चुके हैं और मैं लग चुकी हूँ रोज़ के काम में, जो कि मुझे रोज़ ही करने होते हैं। तो शुरुआत मेरे कमरे से होती है। मैं पहले अपने कमरे की साफ़ सफाई करती हूँ क्योंकि ये कमरा जो है सबसे ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो सबसे पहले बेड का डस्ट हटाती हूँ, फिर वो पिल्लो वगैरह जो है फिर वहीं रखती हूँ, फिर चादर अगर बदलनी होती है तो बदल देती हूँ, नहीं तो फिर वही बिछा देती हूँ। तो आज मैं बदल नहीं रही हूँ, इसी चादर को फिर से मैं बिछा रही हूँ। लेकिन बाबू इस पे ना खेलती रहती है, कुछ ना कुछ गिराती रहती है, तो इसको 2 से 3 बार तो झाड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ अभी तो सुबह का टाइम है तो ऑब्वियसली इसको झाड़ना था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चादर जो है वो बिछा दी है। और आज गाइज हम लोगों को कहीं जाना भी है तो हस्बैंड भी जल्दी आ जाएंगे, मेरे ख्याल से ये 12 बजे तक आ जाएंगे। और आप लोगों ने मेरा एक ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि हम लोगों का एक प्लॉट है जिसकी काम से हम लोग बाहर गए थे, तो आज भी उसी काम से जाना है। उसके साथ साथ आज मैं आप लोगों को कहीं और भी लेके चलने वाली हूँ। और कमरा साफ़ करने के बाद यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मैसी हो गया है, सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा किचन मैसी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डब्बे वगैरह होते हैं ना उनको मैं पोंछ के फिर से उसकी जगह पर रख देती हूँ। उसके बाद जो खाना वगैरह मैं बनाती हूँ उसको मैं ट्रांसफ़र करती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में ही मतलब सब्जी वगैरह नहीं छोड़ सकते। कढ़ाई को क्या करती हूँ कि धुल देती हूँ तुरंत के ही तुरंत। और यहाँ पे मिक्सी को भी मैं तुरंत पोंछ के और उसको ऊपर रख देती हूँ, जब काम होता है तब उतार लेती हूँ और उसके बाद ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पर कुछ सामान था उसको मुझे डब्बे में डालना था तो वो मैंने डाल दिया है। तो इसी तरह से फटाफट सारे काम करती हूँ। और मुझे लगता है कि किचन एक ऐसी जगह है जिसको साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं किचन को अपने कभी भी गंदा नहीं छोड़ती। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे बर्तन हैं, क्योंकि इसमें ना कुछ रात के भी बर्तन हैं। कल ना मेरा बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है जिसकी वजह से मैंने रात के भी बर्तन नहीं धुले थे और कुछ आज के हैं। और बर्तन धुलते समय मैं पहले बर्तनों को नॉर्मल पानी से वॉश करती हूँ और उसके बाद ना सबसे पहले मैं सिंक को साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिंक ना आपका जूठा हो जाता है क्योंकि सारे जूठे बर्तन तो उसी में हम डालते हैं। तो पहले मैं उसको वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन मांजती हूँ। ये मेरी शुरू की आदत है कि पहले सिंक को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। यहाँ बास्केट को भी मैंने खाली कर दिया है और बास्केट को भी मैं अच्छे से धुल लूँगी, उसके बाद मैं इनमें धुले बर्तन रखूंगी। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि मैं रोज़ ही अपनाती हूं और रोज़ ही करती हूं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए मैं ये बोल रही हूं या कर रही हूं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ही इन चीज़ों को करती हूं और इसीलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं सारे बर्तन धुल लेती हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी। रोज़ के काम है, रोज़ ही करने होते हैं। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं क्योंकि मुझे रेडी भी होना है और हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। और अगर वो आ गए और मैं रेडी नहीं मिली ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम रेडी होके रहना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से अपने कामों को निपटा रही हूँ ताकि मैं अपने पूरे काम करके तब जाऊँ। अगर मैं अपना काम छोड़ के कहीं जाती हूँ ना तो मेरे मन में एक उलझन सी बनी रहती है कि घर पे काम है, घर पे काम है, और मेरा मन ना फिर कहीं भी नहीं लगता। क्योंकि अगर आपका काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है तो आप कहीं भी चले जाओ आपके मन में एक चीज़ बैठी होती है कि मेरा घर गंदा पड़ा है, मेरा किचन गंदा पड़ा है। और मेरे साथ तो ख़ासतौर पर ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर के सारे काम निपटा के जाऊँ ताकि मेरा जो माइंड है ना वो फ्रेश रहे।
क्योंकि जब कोई भी इंसान बाहर जाता है तो आने के बाद थक जाता है, और थकने के बाद आके घर का काम करना पड़े तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क लगता है। मेरे लिए तो लगता है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को लगता है जब बाहर से आने के बाद काम करना पड़ता है। तो मुझे लगता है, और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर के सारे काम निपटा लूँ, ताकि मैं जब घर पे आऊँ तो मुझे अपना घर साफ सुथरा दिखे और मुझे रोना नहीं पड़े कि हे राम अभी तो इतना सारा काम पड़ा है, अभी तो ये भी मुझे करना है। तो इस चीज़ से अगर आप लोगों को भी बचना है ना, तो मेरी मानो तो आप भी अपने घर का काम निपटा के ही कहीं जाओ। और आप लोगों से बातें करते करते मैंने पूरे किचन को साफ कर लिया है, तो आधा काम तो हो गया है, आधा काम बाकी है जो कि मैं फटाफट निपटाने वाली हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं झाड़ू लगा के अंदर आई थी ना, उसके बाद इनका फ़ोन आ गया कि जल्दी से रेडी हो जाओ। तो फिर मैंने फटाक से पोछा लगाया और नहा धो के रेडी हो गई। मैंने वीडियो फिर शूट नहीं किया वहाँ से, और अभी तो हम लोग जो कागज़ का काम था वो करा के भी आ चुके हैं। जो भैया ये काम लिए थे ना, उन्होंने फ़ोन किया कि जल्दी आ जाओ, तो इसीलिए हम निकल गए थे। और अभी हम कहीं जा रहे हैं गाइज, आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को वहाँ लेके चल रही हूँ जहाँ पे मैं शादी के बाद काफ़ी सालों तक रही हूँ। मुझे ना वहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपनी एक दोस्त के यहाँ लेके जाऊँगी। और ये देखिए हम लोग उतर गए थे क्योंकि गाड़ी को ना इस पार लाना था, और अभी हम आ चुके हैं अपनी दोस्त के यहाँ। आप लोग को बता दूँ ये भी मेरे साथ रहती थी, लेकिन इनका भी ना अब नया घर बन गया है, तो ये भी अपने घर में शिफ्ट हो गई हैं। और इनका एक छोटा सा बेबी है जिससे कि मैं पहली बार मिल रही हूँ, और सच बताऊँ ना इतना ज़्यादा क्यूट है कि पूछिए मत। अभी मैं आप लोगों को भी उससे मिलवाती हूँ। हेलो हेलो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, वाग रहा वाग रहा। ओहो देखो हंस रहा है। इधर इधर इधर, ये मेरी फ्रेंड है, और आप लोगों को पता है इनके साथ ना मैंने बहुत अच्छे अच्छे पल बिताए हैं, और हम लोग साथ में रहते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ बैठते थे, रात तक हम लोग बातें करते थे। हम लोगों का बिल्कुल जस्ट अगल बगल रूम। हाँ अभी दिखाऊंगी, मैं ले चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। छीलते रहते हैं प्याज, छीलते हैं लहसुन, वो पेपर ऐसे रख लेंगे, लहसुन एक 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 ऐसे छील छील के रखते, इस वजह से वो ऊपर रखा है लहसुन, वो प्याज भी छील लेता है वो। देखो अभी लहसुन छील ला, ये देखो इधर दिखाओ, इधर लहसुन छील ला। बाबू तुमने नमस्ते नहीं किया है? क्यों करो नमस्ते, नमस्ते करो आंटी को पहले, नमस्ते नमस्ते, और जाओ अंकल जी से करके आओ नमस्ते, जाओ नमस्ते कर दो नमस्ते। आई हसी आ गई, ये देखो आ गई अच्छी। अरे भाई, तो गाइज यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद अब हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ मैं रहती थी, और दीदी को भी साथ लेके आई हूँ, ये देखिए। और ये है हमारी जिज्जी, और शर्मा रही है कैमरे में। पता है गाइज यहाँ मैंने ना 3 साल गुजारा है, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था, लगता ही नहीं था कि ये है मेरी फैमिली। नहीं है, हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह रहते थे।
शादी के कुछ महीनों बाद ही मैं यहाँ पर आ गई थी, और यहाँ आने के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि ये मेरी फैमिली नहीं है। और ये देखिए, ये जो जाल है ना, यहाँ पर बाबू बैठ के जिज्जी जिज्जी चिल्लाया करती थी, श्रुति श्रुति, श्रुति जिज्जी की लड़की है। और यहाँ हम लोग सब लोग आपस में बातें कर करके खुश हो रहे थे कि वो भी क्या दिन थे ना, जब हम सब साथ में बैठ के गप्पे किए करते थे। अब तो वो दिन ही नहीं है और ना हम ही एक साथ हो पाते हैं, तो वो भी एक पल था, एक मतलब कि एक समय था। और ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये है श्रुति, और बगल में जो बैठी हैं वाइट जो स्वेटर पहनी है वो है शिल्पी दी, जो कि मेरे जस्ट सामने वाले कमरे में रहती थी। तो हम सब साथ में रहते थे, तो इसीलिए हमें लगता था कि ये सारी फैमिली है, और हम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी नहीं गाइज। क्योंकि कहते नहीं है कि अगर प्रेम से मिल के रहो ना तो सब अपने हैं, अगर ना रहो तो कोई अपना नहीं है, ये होता है। और यहाँ पे जिजी ले आई हैं चाय और नमकीन सबके लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसके बाद चाय नमकीन खाई थी, उसके बाद मैं ऊपर गई थी। तो ये देखिए, यहाँ सब लोग मिलके हम लोग ऊपर जा रहे हैं जहाँ मैं रहती थी, और उस कमरे से, उस किचन से मुझे इतना ज़्यादा लगाव था। जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो ये देखिए गाइज, ये है मेरा रूम, इधर वाला जिसमें पर्दा लगा हुआ है, मैं खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें रेंटर आ चुके हैं। और ये था गीता दीदी का रूम, और ये इधर बाथरूम थे, तो इसमें हम दोनों लोग रहते थे, इसमें गीता दीदी रहती थी और इसमें मैं रहती थी। और ये था मेरा किचन, किचन में आप लोगों को खोल के दिखा दूंगी, क्योंकि जीजी ने कहा कि इसको खोल के दिखा दो। उधर मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें जो रेंटर रहते हैं वो रात ड्यूटी करके आए हैं और वो सो रहे हैं, तो जगाना अच्छा नहीं लगता। और ये है वो किचन जिसमें मैं कभी खाना बनाया करती थी, सबको खिलाया करती थी, वो भी एक समय था। और अभी ये किसी और का है, अब ये मेरा किचन नहीं है। और ये है बाहर का पोर्शन, इसमें शिल्पी दी रहती हैं, और ये बालकनी एरिया है, यहीं पे हम लोग बैठा करते थे। तो गाइज, ये था मेरा वो घर जहाँ से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे अंदर बहुत बचपना था, और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, इसी पे बैठ के हम लोग गप्पे किया करते थे, तो वो एक और ही लाइफ थी। अब कुछ और है, जीवन का बहुत सारा तजुर्बा हो चुका है, पहले नहीं था पर अब हो चुका है, सबसे कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। और यहाँ पे ना, जब मैं सूट कर रही थी उसके बाद ही मेरा फ़ोन बंद हो गया था। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, दीदी लोग बोल रही थी कि खा पी के जाना, लेकिन बहुत ठंड है तो इसलिए हम लोग को निकलना पड़ा। और इस वीडियो को भी मैं एंड कर रही हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।